हो गया स्टार्ट? ठीक है, तो इक्वेशन ये इस पे न्यूमेरिकल करा रही हूँ आपको, थ्री वेरिएबल्स, थ्री नहीं है फोर वेरिएबल्स के लिए है, अभी आपको बता आप एक क्वेश्चन करा रही हूँ कि मैं आपका फोर वेरिएबल्स के लिए, वो कैसे पता लगा, वो ऐसे पता लगा कि एम जो जो टर्म्स है वो टर्म्स कितनी है इसके अंदर, जो टर्म्स है वो कितनी है, 15 है, 15 है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, नॉमिनल कहाँ तक जा रही है, 15 तक, ठीक है, अगर 7 तक जाती तो कहाँ कितने रहती, आपका 3 वेरिएबल्स हो जाता, अब वो 15 तक जा रही है तो कॉम्बिनेशंस कितने लिखे जाएंगे, 2 की पावर 4 = 16, तो 15 कहाँ पहुँचेगा, 4 वेरिएबल भी तो पहुँचेगा, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये 4 वेरिएबल्स का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 और 4 वेरिएबल्स आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन बिलो यूजिंग के मैप, द डोंट केयर कंडीशंस आर इंडिकेटेड बाय डी, ये जो डी बता रहा है डोंट केयर कंडीशन, डी का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको आपको डोंट केयर लिखना है, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, जो हम एज यूजुअल करते हैं, देखिएगा पहले मैं टर्म्स लिख लेती हूँ, समेशन ऑफ एम बोला है इसमें, ठीक है, क्योंकि कौन सी टर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, सॉप के लिए कर रहे हैं, क्योंकि समेशन लिखा ना, समेशन का मतलब क्या है, मीन टर्म्स, मीन टर्म्स का मतलब है अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा इसको बोलते हैं सो सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट्स है उसका सम, तो सम यानी बीच में आपको प्लस लगाना पड़ता, लेकिन अगर ये क्या होता, ये मैक्स टर्म होता तो यहाँ डॉट आ जाता, समझ आ गया मेरी बात, तो जो पहले हमने दिया वैसे उसको काट देते हैं, तो आपको पता है कि 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 8 में ऐसे लिखा था, मीन टर्म और मैक्स टर्म बनाई थी उस क्लास में, मैंने आपको बताया था ये 0 के बराबर है तो 0 को आप M0 लिखोगे, ये 1 के बराबर है M1 लिखोगे, फिर 2 के बराबर है 0 1 10, इसके 2 के बराबर आ जाएगा, समझ आ जाएगा, इसी तरह यानी ये 3 है तो इसके बराबर आ जाएगा M3 के बराबर, अगली बात समझ, फिर किसके बराबर आ जाएगा 5 M5, ऐसे तो लिखा था, 1 का मतलब है 0 0 0 1, फिर 2 का क्या मतलब है 0 0 1 0, फिर 0 1 10, फिर 11, डेसिमल में वैल्यू किसके बराबर थे 3 के, तो आपने क्या लिखा था M3, ऐसे भी लिखा था, पीछे देख लो जो मैंने आपको मीन टर्म मैक्स टर्म बताया, तो यहाँ पर 5 का तो क्या देखिए M5, फिर M7, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर जो दिख रहा है वही M11 M15, आपको ये देखना है कि जो नंबर्स दिए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर कहाँ तक पहुँच रहा है, नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, जो वैल्यू दी है जैसे 1 3 5, अगर 3 तक दिया होता तो 2 वेरिएबल में काम करता, 2 की पावर 2 = 4, तो 0 1 2 3, ठीक है, उसके बाद में 5 कितने पहुँच गया 3 वेरिएबल्स, 6 भी कितने में आता 3 वेरिएबल्स, 7 भी कितने में आता 3 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 की पावर 3 = 8 यानी 0 to 7 बन जाता, फिर आपका 11, फिर आपका 15, ठीक है, अब 7 से ऊपर जो भी चलेगा 15 तक वो कितने में आएगा 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स का मतलब 2 की पावर 4 = 16 यानी 8 0 8 1, 4 0 4 1, 2 0 2 1, 1 0 1, ठीक है, तब 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15, ठीक है, और डेसिमल से ऊपर जब हम ऑक्टेंट उसमें चलते थे हेक्सा डेसिमल में तो हम ABCDEF तक लेके चलते थे, तो जब आप माइक्रो प्रोसेसर में या माइक्रो कंट्रोलर में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ोगे वहाँ पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ABCDEF ही चलोगे, यहाँ पर आपने डेसिमल्स में लिखी होगी तो डेसिमल तो आगे चल सकते, ठीक है, हालांकि रेंज उसकी 0 to 9 ही होगी, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ, और डोंट केयर कंडीशंस आपकी कैसे आ रही है, ये वाले M0 M2 और M5 है, तो ये सॉप की ना, समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है, इसको लिखो कर दे,
मैं आपको समझा रही हूँ क्या ये लिख लोगे इसे रफ्तार ये अब देखिए तो सब लोग यहां देखें एक मिनट में समझ आ जाएगा सिर्फ एक मिनट और जो बिल्कुल बाद में आया ना मुझे ग्रे कोड समझाने के बाद वो मेरे से मत पूछना एक दो आइटम से बार बार मत पूछना ये कैसे हुआ वो उनसे पूछा है जितने बैठे हैं क्लास में जितने आगे बैठे हैं और जितने तीन चार पीछे बैठे हैं सबको समझ आ रहा है क्योंकि ये लोग देरी आ रहे हैं मुझे से मत पूछना चार वेरिएबल्स है तो दो इधर लोगे दो इधर लोगे इस सिमेट्री में चल रहा है देखो ऐसे हुआ है दो वेरिएबल तीन वेरिएबल तीन वेरिएबल में सिमेट्री बन सकती है कैसे बन सकते दो ऊपर एक नीचे फिर चार वेरिएबल ठीक है फिर ऐसे सिमेट्री चलती चलेगी आपके में से फोर वेरिएबल तक आपके सिलेबस में इसलिए मैं डायरेक्टली फोर वेरिएबल का समझाऊंगी फिर थ्री वेरिएबल अगर घर से भी समझाऊंगी या नुमाइंद बाद में कराऊंगी आपको समझ आएगा ठीक है तो देखिएगा फोर वेरिएबल्स का मतलब हो गया ए बी सी डी ऐसे ही होगा दो ऊपर ले लो दो नीचे ले लो ऐसा नहीं होगा तीन ऊपर एक नीचे ऐसा नहीं होगा समझ आ गया मेरी बात ए बी सी डी समझ आ गया मेरी बात अब हम क्या करेंगे ऐसे होगा बच्चों ऐसे होगा इसको देखो दिखाई दे रहा है मैं स्क्रीन पर आ रहा है तो चार इस तरफ बनने चाहिए और चार इस तरफ बन चाहिए क्योंकि ए बी है ना तो ट्रिपल ये चार कॉम्बिनेशन आएंगे इस तरह इसमें भी दो वेरिएबल्स है रूट की पावर टू इक्वल्स टू फोर फोर कॉम्बिनेशन इधर आएंगे और ए बी इधर दो वेरिएबल्स है और फोर कॉम्बिनेशन इधर आएंगे डन उसके बाद मैंने आपको बताया था हम हमेशा क्या लिखते हैं दो वेरिएबल्स के लिए जो ट्रिपल हम लिखते हैं दो जीरो दो वन एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन तो वही इसके लिए होनी चाहिए दो जीरो क्योंकि ये दो वेरिएबल अलग हो गए वो दो वेरिएबल अलग हो गए लेकिन एट अ टाइम केवल एक ही वेरिएबल जब हम एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में जाएंगे तो उस केस में केवल आपका एट अ टाइम एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए हाँ या ना उसके लिए हमने क्या किया था वन वन वाले को थर्ड वाले को फोर्थ वाले की जगह फोर्थ वाले को थर्ड वाले की जगह चेंज किया था क्योंकि ग्रे कोड को फॉलो करता है और ग्रे कोड क्या कहता है कि एट अ टाइम केवल आपकी एक ही वेरिएबल चेंज ठीक है तो देखिए तो मैंने क्या किया वन वन को कर दिया यहाँ आप ऐसे ही करना जैसे मैंने किया पहले इसको लिखना इसको ऊपर को जाना उसको नीचे को जाना उससे आपको ईजी रहे ठीक है बच्चों ठीक है अब इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे ठीक है जीरो जीरो ठीक है दिस इज जीरो वन 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 एंड वन जीरो राइट उसके बाद आपका क्या जाएगा उसके बाद आपका आ गया जीरो 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 वन 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 एंड वन जीरो ठीक है अब हम इसमें क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है आपको जहां पे ये है आपकी रेगुलर टर्म्स ये है आपकी रेगुलर टर्म्स जब आपको यहाँ पे समेशन दिखाई दे रहा है समेशन तो यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है यानी जहां पे जो वैल्यूज दी हुई है उसकी जगह पे आपको वन लिखना है और जो वैल्यू नहीं दी है जैसे ये इसे डोंट केयर का है वहां पे आपको जीरो नहीं लिखना वहां पे आपको क्रॉस लिखना काम वो जीरो का ही करेगा काम वो जीरो का ही करेगा देखो अब यहां देखना जरा अब इसको एक चीज और समझना आपको ये वैल्यू इसके बराबर होता है जीरो के वन अभी समझना जीरो वन अभी नहीं थ्री यहां नहीं आ सकता क्यों मैं आपको बता रही हूँ दो जीरो दो वन एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन ऐसे था तो क्या लिखते थे जीरो वन टू थ्री मतलब एक तरह से आपके ऐसे ही आ गया ना ठीक है आठ जीरो आठ वन चार जीरो चार वन तो यही तो रहेगा समझ लो पहले थोड़ी बाद में क्या कहेंगे आठ जीरो आठ वन
4041201011 ऐसे चलता था। आपको नहीं समझ आ रहा पीछे का खोल, ठीक है, इस तरह से आप इतने चले जाओ। ये किसके बराबर आया था? जीरो के। ये किसके बराबर आया था? वन के। ये किसके बराबर आया था? टू के। ये किसके बराबर आया था? थ्री। समझ आ रही मेरे मेरी इसकी बात? हाँ यार, तो मुझे ये बताओ, जीरो जीरो यहाँ से, समझ, जीरो जीरो यहाँ से और जीरो जीरो यहाँ से, तो इस वाले ब्लॉक में क्या लिखा गया? जीरो जीरो जीरो, यही तो हुआ। यहाँ से जीरो जीरो उतारोगे, आपको हमेशा क्या देखना है? इधर से उतारोगे, इधर से उतारोगे, पर लिख कर यहाँ से उतारोगे, यहाँ से उतारोगे, यहाँ पे लिखो, यहाँ से नीचे ड्रैग, मतलब एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकल, ठीक है। आपको हर बार ऐसे बनना, जैसे आप मैट्रिक्स सॉल्व करते थे ऐसे, समझ आ गई एक बार? तो अब यहाँ देखिएगा, पहले आप इसको समझिए, मैं उसके बाद बताऊंगा इसको। फिर आपने फिर क्या किया, यहाँ से ऐसे, तो क्या आ जाएगा? जीरो वन। आप ऐसा भी कि ए बी इधर भी लिख सकते हो और सी डी इधर भी लिख सकते हो, तो ए बी पहले आता है ना, सी डी बाद में आता है, तो पहले आप ए बी की वैल्यू लिखते हो, ठीक है। तो ये क्या जाएगा? वन वन, ठीक है, और सी डी क्या आ गया? जीरो जीरो। समझ आ रही मेरी बात? फिर आपने क्या किया? वन जीरो। इस तरीके से वैल्यू चलती चली जाएगी आपकी, समझ आ रही मेरी बात? तो अब आप यहाँ देखिएगा कि अगर मैं इसकी भी बात करूँ, इस वाली, तो आप जरा यहाँ पे देखिएगा, ये जीरो जीरो किसके बराबर आ रहा है? जीरो। ये किसके बराबर आ रहा है? वन के। अब ये जो टू था ये तो ऊपर पहुंच गया था और ये वाला नीचे पहुंच गया था, ये कॉम्बिनेशन आपने आगे पीछे किया था ना ग्रे कोड की वजह से, यस और नो? तो वैल्यू, तो वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना, वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना बच्चे। जब मैंने ट्रुथ टेबल को, मैंने रितेश की जगह पे इसको प्रवीण को बिठा दिया और प्रवीण की जगह मैंने रितेश को बिठा दिया, तो ना अगर भी सीट चेंज हुई है तो वो पर्सन भी तो चेंज हो गए ना। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर 40 का रोल नंबर 3 उसका, जब मैं 3 को यहाँ बिठा दी, रोल नंबर 3 ही तो हुआ ना, बेंच का जगह की वैल्यू नहीं है, रोल नंबर की वैल्यू है, आपकी इस स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, आपका जो आप टेबल डाल रहे हो, जो वैल्यूज डाल रहे हो उसका, उसकी वैल्यू लिखनी है आपको। ऐसा नहीं कि खाली आपको नंबर 0.23, नहीं, या अभी तो ये 0.23 है, लेकिन जब आप ट्रुथ टेबल की वेरिएबल्स डालोगे तब ये किसकी वैल्यू बन जाएगी? स्क्वायर। समझ आ रही मेरी बात? तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो यहाँ पे टू तो इधर पहुंच गया था ना, सॉरी थ्री, जीरो, सॉरी हाँ, जीरो वन टू इधर आएगा, ये इधर पहुंच गया, हो गया थ्री। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ? ठीक है, जीरो वन टू थ्री, टोटल कितने होने चाहिए? 16, मतलब 15 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको क्योंकि वो ग्रे कोड की वजह से सारी टेबल एक आगे हुई है और एक पीछे हुई है, तो पूरा एक वो जो स्लॉट इधर वाला और एक पूरा स्लॉट इधर वाला, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि आपने पूरी की पूरी लास्ट टेबल को थर्ड को फोर्थ कर दिया, फोर्थ को थर्ड कर दिया, तो अगर यहाँ पे जीरो वन ये टू के बराबर था तो टू तो इधर पहुंच गया और थ्री इधर पहुंच गया, तो ये पूरी टेबल ही तो आगे, ना कि पूरी टेबल आगे हो गई ना। देखो मैं इसको ऐसे लिखती, अगर जीरो वन टू थ्री, पहले आप इसको ऐसे समझो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, समझ आ रही मेरी बात? ये होती जनरल। अगर मैं क्या लिखती, 2021, 01, अगर जो जिसकी जगह पे था अगर वो उसी की जगह पे रहता तो, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आपका नहीं हुआ। इसमें आपने क्या किया, थर्ड कॉलम को आप फोर्थ पे ले गए और फोर्थ को थर्ड पे ले गए, तो जब आप इस वाली कॉलम को इधर भी आए हो तो ये थ्री की वैल्यू भी तो यही आएगी, हाँ या ना? वो सेवन इधर था, ये सेवन इधर आ जाएगा, इलेवन इधर था, इलेवन इधर आ जाएगा, फिफ्टीन इधर था, ये फिफ्टीन इधर था। अब इधर जो टू था, टू फिर क्या था, फाइव के बाद यहाँ सिक्स, फिर नाइन के बाद टेन था, लेकिन आपको उसको आगे ले गए थे, ये हो गया आपका टेन, अब ये समझ आ गया, ये तो इधर। अब आपने यही काम इधर भी किया था, यही काम आपने इधर भी तो किया था ना, यहाँ पे आपने क्या किया था, ये जो थर्ड वाली थी वो आप फोर्थ पे ले गए थे और फोर्थ वाली थर्ड पे ले गए, तो आप क्या करोगे, ये आठ तो इधर चला जाएगा और ये बारह इधर आ जाएगा, समझ आ गई बात, तेरह इधर आ जाएगा, नौ इधर आ जाएगा, पंद्रह इधर आ जाएगा, इलेवन इधर आ जाएगा, फोर्टीन इधर आएगा, टेन। तो आप कहने का मतलब ये हो गया, जब भी आप नंबरिंग करोगे, मैंने आपको स्पून फिटिंग करा दी इसके, हम एक दूसरे का एक तरह ज़्यादा नहीं सुनूँगा, ठीक है,
लेकिन मैं आपको इससे समझा रही हूँ कि पॉलिटेक्निक में मुझे नहीं पता कि बच्चे का लेवल टेंथ वाला ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा 0.01 फिर 2 इधर पे क्यों गई, समझ आ गया क्यों किया, फिर ग्रे कोड को फॉलो कर रहे तो उसकी वजह से क्योंकि थर्ड वाले को अलग फोर्थ बन गई, फोर्थ की वैल्यू थर्ड की बन गई है, इसलिए आपको हमेशा 0.12 आपको हमेशा इधर लिखा हुआ मिलेगा। आपको वहां किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कभी कोई कुछ पूछे या उसमें न्यूमेरिकल आए तो आप समझाओ, तो वैसे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो 0.12 छोड़ दो। इसी तरह आप थर्ड वाले फोर्थ में कन्वर्ट हो गई थी, तो जो यहाँ किया है वो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आप देखिए चाहे आप यहाँ से यहाँ चलो, चाहे आप यहाँ से यहाँ चलो, चारों बराबर आ रही है। इसलिए मैंने के एम को कहा कि हमें स्क्वायर रूट की पावर एन इज इक्वल टू एन आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स को बता दो, समझ आ गई मेरी बात। अब हम ये आगे मेरी बात समझ, अब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या आएगी बताओ भाई, दिशांक बताओ, ए बार बी बार क्या जाएगा, सी बार बी बार, ठीक है। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आप लिखते चले जाओगे, अभी और रुको, अभी और रुको, इतना इतना सबको समझ आ गया। आप सबसे पहले इसी कोई क्वेश्चन को देखोगे, देखो कितने वेरिएबल्स का वेरिएबल ड्रॉ करोगे, वेरिएबल ड्रॉ करने के बाद 0, 1, 2, 3 इधर 3 इधर, ये सबको समझ आ गया। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जो हमारी रेगुलर टर्म्स दी है एम के साथ उसकी जगह आप 1 लिखोगे, तो 1 दिया है तो 1 कहाँ पे आएगा इस वाले, तो आप इसकी जगह पे लिखोगे 1। जो इक्वेशन जो मैंने क्या कहा था, जो एक्सप्रेशन में दिया है उसकी जगह 1 लिखेंगे और जो नहीं दिया है उसकी जगह 0 लिखेंगे, लेकिन इसने डोंट केयर दे रखा है तो हम डोंट केयर को यूज करेंगे, 0 को यूज नहीं करेंगे। अगर उसने डोंट केयर नहीं दे रखा होगा तो बाकी जगह पे अगर आपको वंस बनाना है, पेयर बनानी है और पेयरिंग में कुछ कम पड़ रहा है तो आप 0 यूज करेंगे, लेकिन अब आप डोंट केयर यूज करोगे उसने गिवन दिया। इसमें 3 से 2 दिन अभी और लगेंगे, 1 दिन 2 दिन, उसमें आप सारे न्यूमेरिकल्स करवा के छुपा देंगे, क्योंकि ये टफेस्ट न्यूमेरिकल्स है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है सब लॉजिकल है, मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ किया वो इजी है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए जो दिया है 1 दिया है 1 लिखो, ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा लिखना है, सफिक्स की तरह काम करेगा, बहुत छोटा लिखना। फिर क्या है 3 पे 1 लिखो, आगे मेरे पास समझ, फिर 7 पे 1 लिखो, फिर 11 पे 11 पे 1 लिखो, फिर 15 पे 1 लिखो, आगे मेरे पास समझ। अब हमें डोंट केयर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने दिया है, डोंट केयर इस पे 0 पे 0 इधर ही है, फिर 2 फिर 5 कहाँ गया 5। अब आप मुझे यहाँ से ये बताओ इसके अंदर आप एक्स को ड्रॉ करो, मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, क्लीन कर दूँ, बस ये बाइंडर को मैं बस ये सिंप्लीफिकेशन करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, इक्वेशन पहले आप इसको ड्रॉ करो। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आपको इसमें जिस तरीके से अपने हिसाब से लिखना है हिंदी में आप उसे वैसे लिखो, समझ आ गया ना सबको, जैसे आपको चाहते हो आप वैसे लिखो। कहाँ दिया था 5? 1, 3, 7, 11, 15 दिया है, 5 नहीं दिया। भाई 1, 3, 7, 11 और 15 दिशा दी थी लिखा है। तो वो दोनों तरफ नहीं हो सकता, अगर मैंने लिखा है तो उसको इधर से हटा देना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसमें 1 दिया है डोंट केयर दिया है, अगर मैंने लिखा है तो आई जस्ट रियली सॉरी, वो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ 5 हटा दो, रेगुलर टर्म में से 5 हटा दो, thank you.
क्या करना है आपको, खत्म हो गया, अब जाओ ना। देखो भाई यहाँ देखो बेटा, देखो ऑक्टेट ऐसे नहीं बन सकता जैसे इसमें बना हुआ, ये भी चार का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप नोट केयर को ले सकते हो। आपको क्या देखना है, पहले ऑक्टेट देखना है, आर बन रहा है नहीं बन रहा, तो आर कैसे बनता है मैं आपको ये समझा दूँ। देखो ऐसे बनता, या तो चार ऐसे होता, चार ऐसे होता, ठीक है, मतलब या तो इस चार इस तरह का कॉम्बिनेशन चार चार, ठीक है, या दो दो के कॉर्नर के, या ऐसे होते कि लगातार चार यहाँ लगातार चार यहाँ, ठीक है, इसमें कंटिन्यू मतलब कॉर्नर पे ऐसे कि इस कॉर्नर पे भी उस कॉर्नर पे भी इस कॉर्नर पे भी उस कॉर्नर पे भी चार चार, दो दो के इधर, दो दो के इधर, दो दो के इधर, दो दो के इधर, दो दो हो जाएगा। देखो तुम्हारी गलती समझ आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ इसके अंदर अगर आप कहो कि मैम इसमें आठ बन रहा है, कैसे बन रहा है कि मैडम डोंट केयर को हम ले सकते हैं, पहले आपको ऑक्टेट देखना है, ऑक्टेट इसमें नहीं बन रहा है क्योंकि अगर आप इस चार को भी लोगे और इस चार को लोगे तो ये सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री नहीं है, एक तो ओरिजेंटल आ रहा है और एक उसकी भी एक को तो आप इंक्लूड कर सकते हो, एक बार सारे एक को सारे बार इंक्लूड नहीं हो सकते, लेकिन वो सिमेट्री नहीं आ रही, वो कॉर्नर्स पे आ सकती है, डायगोनली नहीं आ सकती, तो ये ऑक्टेट नहीं है, ये आपको दो तीन मार्कर्स में जब चार पांच मार्कर कराऊंगी तभी समझ आएगा, तो ये ऑक्टेट नहीं है, कॉर्नर्स पे होता तो होता। अब ऑक्टेट की बात तो खत्म हुई, अब किसकी बात आती है, किसको देखेंगे, उसके बाद प्रायोरिटी किसकी है, क्वाड, क्वाड क्या है, चार चार तो क्वाड बन रहा है, तो क्वाड तो होता ही चार का है, तो एक तो सबसे पहले आप वन वन वाला देखो, डोंट केयर वाला बाद में देखो, तो देखिए वन क्वाड कितने का होता, चार लगातार चार, या अगर चार होते एक कैसे बन सकता था, एक दो तीन और चार, बस ये पॉसिबल है ऐसे क्वाड के लिए, उसके ऑक्टेट के लिए पॉसिबल, तो अभी चार सीधा सीधा मैं दिखाई दूँ, ठीक है। अब आप ये देखो कि एक तो ये एक ये बच रहा है, एक ये एक बच रहा है, और डोंट केयर उसमें भी दे रखा है, या आप उसको यूज कर सकते हो, एक तो बच ये तो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन का ही बच रहा है, और ये किसका बच रहा है, डोंट केयर का, तो हमें अगर मैं इसको ले लूँ तो यहाँ से एक के कभी है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर नहीं बनाना है क्योंकि इसका क्वाड बन रहा है। अगर किसी का चार में से अगर एक को यूज करके हमारा कोई और पेयर बन रहा है तो आप उसको बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ के ये सिर्फ आपको सपोज ये बनाना है डोंट केयर को, इस वाले को आप लेके स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ऐसा अगर यहाँ पे ये डोंट केयर ना होता, ये डोंट केयर ना होता तो सिर्फ इसका एक स्क्वायर बनता, और अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, समझ आएगा मेरी बात, वंस होगा तब आप डोंट केयर को लोगे, अदरवाइज नहीं, तो ये आपका डोंट केयर, ये डोंट केयर, ये डोंट, अगर नहीं समझ आ रहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि मैडम ने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, खत्म, इतना परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं, तो एक ग्रुप तो ये वाला हो गया ग्रुप वन, और एक हो गया ये वाला ग्रुप टू, एक तो ये वाला हो गया ग्रुप टू, ये हो गया ग्रुप वन। अब इसकी क्वेश्चन लिख लूँ फटाफट, इसकी क्वेश्चन कैसे, नहीं आपको नहीं लिखनी क्वेश्चन, पहले देखो जब समझ नहीं आएगा तो लिखो भी क्या, ये वाला ग्रुप वन है, ये वाला ग्रुप टू। अब देखो पहले मैं ग्रुप वन के लिए क्वेश्चन लिखूंगी, अब देखो क्वेश्चन कितनी मिनिमाइज हो जाएगी, वो इतनी सारी टर्म एक में समाप्त हो गई, श्याम सुंदर इसके लिए लिखूंगी, तो इसके लिए देखिएगा आपको हर बार हर पेयर में ये देखना है, जो चीज बार बार चेंज नहीं हो रही है, जो फिक्स है आपको वो उठा के बैठने वो खत्म। तो आप यहां से अगर देखो इस चार में फर्स्ट वाले ग्रुप में, इस फर्स्ट ग्रुप में देखो हर बार सी डी की वैल्यू हर बार हर वंश पे इससे इस पे इससे इस पे इससे इस पे चेंज हो रही है ना, पहले इसके लिए क्या वैल्यू थी ए बी, इसकी वैल्यू क्या है ए बी वन वन की, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू तो वन वन थी, ए बी पूरी वैल्यू लिखोगे ना स्क्वायर ए बी सी बार डी, ठीक है, फिर नेक्स्ट चले ए बी सी बार डी, फिर चले ए बी इसका इस वाले इसकी हमें जरूरत है उसके लिए नाम है ए बी सी डी, फिर आपने लिखा ए बी सी सी डी बार, किसकी वैल्यू चेंज हुई हर बार, सी डी, ए बी की तो चेंज नहीं हुई, ए बी इसको इस पे बिल्कुल फिक्स होगा,
इस वाले में, तो आप क्या इस ग्रुप की वैल्यू जो पूरी आएगी स्क्वायर की वो वैल्यू आएगी ए बी, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलेंगे, अब इस वाले में एक क्वाड ये हो रहा है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, अब आपको समझ आ रहा है हर बार इसके लिए वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे फिक्स हो गई सी बार डी बार की वैल्यू, सी बार इस वाले में ना, सी बार डी बार ए बी, ए बार डी बार, सी बार डी बार ए बार बी, सी बार डी बार ए बी, सी बार डी बार ए बी बार, अरे मेरे पास हर बार किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, सी बार डी बार, अरे सी बार, अच्छा ठीक है ए बी की वैल्यू चेंज हो रही है, हर बार वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, सिर्फ किसकी फिक्स है सी बी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगी इस ग्रुप की वैल्यू आएगी सी बार जो इसके ट्रुथ टेबल पे पड़ी, जो इसकी ट्रुथ टेबल पे पड़ी, इसकी भी वैल्यू आपने यहीं से तो उठाई थी, ये वन वन फिक्स हो गया था ना इसके लिए, और यहाँ पे इसके लिए ये फिक्स हो गया, तो क्या आ गया सी बार डी बार, समझ आ गया मेरे पास। अब आपको ये कौन सी टर्म थी, मीन टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट से जो है दूसरा प्रोडक्ट क्या आया सी बार डी बार, दिस इज द वैल्यू, ये टोटल, और इसके लिए आप गेट लगाओगे, अगर कौन सा गेट बनेगा मैं आपको बता देती हूँ आगे क्या हो सकता है, ए बी कौन सा गेट है एंड गेट, एंड गेट ए बी, तभी तो वैल्यू क्या आ रही है ए बी, समझ आ रही है मेरे पास। फिर क्या हो रहा है ये कौन सा है, ये भी वही गेट है, तो आप इसमें क्या किया, या तो आप इसे ऐसे लगा दो सी डी, या आप इसमें क्या करो, ठीक है सी आ जाएगा सी बार डी बार, उसके बाद क्या हुआ ये कौन सा गेट है फोर गेट, क्या आ जाएगा ए बी प्लस सी बार। अब आपको कोई कहेगा ये बनाओ, इसके लिए ये पूरी कहानी हमने जो पढ़ी है वो समअप ये, बस आपको ये बनाने के लिए बोल, तो वो इतनी सारी क्वेश्चंस है उसको आपने समअप करके सिर्फ इतना सॉल्व करना, तो के मैम इसलिए पढ़ाया, समझ आ गया मेरे पास। इट टेक्स टाइम एंड इट बैगिंग फॉर द प्रैक्टिस ऑल्सो, हाउ मच यू डू द प्रैक्टिस यू विल बी गेट परफेक्ट, समझ आ गया मेरे पास। अब ऐसा तो यानी कि मैंने यहाँ से देखा यहाँ उतार दिया और तुम्हें समझा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, मैं सिर्फ तुम्हारे घर उठाया फिर आपको समझाना शुरू किया, क्यों, क्योंकि अगर आप आज मेहनत करोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, नॉट इवन बीटेक नॉट इवन एमटेक हर जगह यही चल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो कंप्यूटर्स हो इलेक्ट्रिकल हो, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में कॉमन है जो हमेशा चलते रहे, जब आपको सर्किट बनाना पड़ेगा तो आपको ये जरूर आएगा। प्रोग्रामिंग किसके लिए करोगे, सर्किट के लिए तो करोगे, तो सब्जेक्ट के लिए क्या आना चाहिए आपको डिस्क आना चाहिए, इसलिए आपको डिस्क चढ़ाई जा रही है कंप्यूटर्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स को तो प्रोग्रामिंग भी हार्डवेयर बना के देना है, तो हार्डवेयर कैसे बनाओगे जब आपको उसका हार्डवेयर की नॉलेज होगी और सबको डिजिटलाइज है, ठीक है। अब जो आप एम्पलीफायर्स वगैरह बना रहे हो वो भी सब इसी पे आके बन गया, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, नॉइस भी होंगे, ठीक है, तो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बुक ठीक है ये योगेश, ये सही है बुक आप।